हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण तूर है और आप देख रहे हैं तूर्स ब्रदर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू। अबे यार, टू आवर्स लेटर करो स्टार्ट। अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही है, पता नहीं आ रहा करता हूँ। A few inches later. Hello friends, मेरा नाम प्रवीण तूर है और आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे एक नए YouTube चैनल पर जिसका नाम है ये। तो फ्रेंड्स, ये है IQ00 जो कि फिलहाल काफ़ी टाइम हो चुका है लॉन्च हुए इस मोबाइल को। और ये मैंने अपने एक अच्छे फ्रेंड के लिए मंगाया है। उसने मुझे कहा कि भैया जी, मुझे मेरे लिए एक नया मोबाइल मंगा दो यार, मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं वो नहीं है, मैं आपको पैसे दे दूंगा। मैंने ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मैं एक नया मोबाइल मंगा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास कुछ मैं अमेजन से मंगवाया है ये, और अमेजन पर मैं VIP कस्टमर हूँ जिसके थ्रू मुझे बहुत सारे ऑफर्स मिलते रहते हैं। तो वह भी एक ऑफर्स में से ये भी एक मोबाइल मुझे मिल गया था। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो, ये IQ00 की अनबॉक्सिंग। तो लेट्स गो। और पैकिंग बड़ी बढ़िया करते हैं, लेकिन मोबाइल कंपनी वाले जैसे भी करते हैं। तो फ्रेंड, स्टेप से आ जाता हमारा डब्बा सामने मोबाइल का, इसमें लिखा हुआ है IQ00। इसको करते हैं ओपन। कैसे कहाँ से हुआ ऐसा, बड़ा बढ़िया केस दिख रहा है देखने में तो। हाँ, तो ये इसका फ्रंट ऊपर का हिल गया है और इसके अंदर यहाँ पे होगा मोबाइल, और बाकी इस डब्बे के अंदर आगे पीछे बस खाली इसका ये लोगो लगा हुआ है। इसके ऊपर इसका रेट है, रेट इसका लिखा है लगभग 22,900 रुपये। तो ये मुझे अमेजोन पे 19,000 कुछ का मिल गया था। और इसको ओपन करता हूँ मैं। सबसे पहले कुछ निकल के आता है ये, देखिए इसमें कुछ नहीं है, एक कहाई डब्बा। और ये इसका कवर है, साथ में जो कंपनी हर एक वाले साथ में आती है, और बाकी ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है इसकी, इसको पढ़ते नहीं आप लोग, मुझे पता है, मैं भी नहीं पढ़ता हूँ, इसको साइड में फेंक देते हैं। और ये आता है इसका कवर, सॉरी कवर नहीं, चार्जिंग करने के लिए डाटा केबल। चार्जर का है भाई, तो देखते हैं चार्जर इसके अंदर ही होना चाहिए। नीचे इसका जो एडाप्टर होता है मोबाइल, इस तरह को सामने आता है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। हाँ, चार्जर नीचे है, एक खाई डब्बा है चार्जर इसके नीचे, तो यहाँ पर था तो साइड में फैर उसी में फेंकता हूँ। और ये इसका चार्जर है, काफ़ी मोटा लंबा चौड़ा हरा तगड़ा चार्जर लग रहा है देखने में ये। और यहाँ पे इसको लग जाएगा, ये बात आप खुद देख लीजिएगा। उसके कुछ नहीं है, वीवो की ब्रांडिंग है, यहाँ पे 2 पिन है, एक USB है। और फिर आ जाते हैं मोबाइल की तरफ हमारे, कुछ इंस्ट्रक्शन, और ये आगे मोबाइल हमारा हमारे सामने, देखते हैं इसकी लुक कैसी है। चमक तो बहुत बढ़िया रहा है मोबाइल, तो ये कुछ स्टेप दिख रहा है। वाह भाई वाह, किसका कलर बहुत ही बेहतरीन लग रहा है इसमें। आप लोग में एक चीज़ बता देता हूँ, ऊपर का कैमरा एक बार बेहतर हो, आप लोग को इस मोबाइल में एक चीज़ बताता हूँ कि इस मोबाइल में क्या है ना, कि जो जैसा कलर है ये मेटेलिक ब्लैक है, और कंपनी में इसके अंदर एक इस तरह का एक वो दिया है, जो कलर है ये नाइट में एकदम ब्लैक चमकता है, और दिन में इसके अंदर व्हाइटनेस दिखाई देगी आपको। मुझे जैसे दिखाई दे रही है, जैसे लाइट पड़ रही है इसकी हल्की सी व्हाइटनेस, जैसे कि सिल्वर जैसा लगता है ये, और इधर से ब्लैक है, बहुत ही प्यारा दिख रहा है देखने में ये। IQ00 मॉडल है, और कैमरा सामने देखिए इसके दो, एक बड़ा कैमरा है और एक छोटा कैमरा है, बाद में एक फ्लैश लाइट और एक सेंसर। ठीक है, अब इसे करता हूँ मैं ऑन, एक बार ऑन हो जाएगा। हाँ, ऑन हो रहा है, IQ ब्रांड आ गया है। हो जा 5G लिखा हुआ है, एंड्रॉइड देख सकते हैं आप। खुल गया पूरा, टाइम ले रहा है खुलने में, नाइस। तो फ्रेंड्स, बाकी जब तक ये इसकी सेटिंग करता हूँ मैं, आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता देता हूँ यार, आप लोग ना मेरे वीडियो जो वीडियोस है उसे लाइक शेयर नहीं करते हो, और जो भी मतलब कि वीडियो डालता हो कभी कमेंट्स नहीं करते हो कैसे उसमें क्या है क्या नहीं है मेरी वीडियोस को। और यार आप लोग का ये पहले तो ये बहुत बहुत थैंक्स की प्यार है कि आप लोग जो मेरी वीडियोस को लाइक भी दे देते हो थोड़ा, लेकिन इतनी लाइक्स नहीं मिल पाती है जितनी मैं सोचता हूँ। वाईफाई नेटवर्क मांग रहा है, मैं एक बार वाईफाई कनेक्ट कर देता हूँ इसे, एक सेकेंड। हाँ, ये मेरा वाईफाई कनेक्ट हो गया है, ताकि इसकी ये जो वीडियो क्वालिटी है यूट्यूब पर कैसे दिखती है वो भी हम एक बार चेक कर ले। टाइमिंग इसका मैं देखता हूँ, मांगता है कितना नहीं मांगता है। गेट इन योर फोन रेडी करके लिखा रहा है, आप देख सकते हैं। तो
इसकी बैटरी बहुत कम है और इसकी जो स्क्रीन की जो चमक दिख रही है मुझे, ब्राइटनेस दिख रही है, बहुत ही बढ़िया दिख रही है दिखने में, और वाइट वाइट दिख रहा है। और पीछे से तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया मोबाइल ये, क्योंकि जो इसकी जो लुक है पीछे से बहुत ही डैशिंग टाइप की दिख रही है, जैसे वन क्लास मोबाइल होता है। और इस बजट रेंज में इस टाइप का मोबाइल मिल जो मुझे मिल गया ठीक ही है। ऐसे तो ये मेरा नहीं है, मेरे फ्रेंड का है, उसे मैं कल दे दूँगा, कल सुबह देना है मुझे उसे वो। लेकिन उसने मुझे कहा था कि भाई एक बार वीडियो बना देना अभी, तो बस मैंने वीडियो बना दी उठा के सीधे। अभी तक खुला नहीं है सेट, खुल रहा है। मेल एड्रेस मांग रहा है, मेल एड्रेस मैं नहीं दे रहा उसका, स्किप कर देता हूँ। कर देता हूँ जिसका मोबाइल अपने बाद में करता रहेगा, वे हो जा नेक्स्ट गेट ऑल स्किप। कन्वर्सेशन करके आ गया है और योर फोन इज रेडी। अब इसको स्टार्ट करते हैं, कुछ इस टाइप का इसका लुक आया है, टूटू कर रहा है। डाउनलोड एंड इंस्टॉल सिस्टम अपडेट कर देते हैं, got it। अब इसको YouTube चला के देखते हैं कि वीडियो क्लियरिटी कैसी आती है 4K में। 4K आ गया YouTube में। तो ये नहीं कॉपी आउट आ जाएगी इस पे, इसमें कॉपी आउट पहले विदाउट कॉपी आउट चलाते हैं। नो कॉपी राइट, ये आ गई 4K। आवाज नहीं आ रही है, फुल स्क्रीन आवाज। आज का बटन कहाँ है भाई, ये इधर है, आवाज भी नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही भाई। क्यों यार आवाज क्यों नहीं आ रही, दूसरी बार चला के देखता हूँ। मैं अपनी ये चलाता हूँ एक यूट्यूब की। अब आ रही आवाज, ऐड आ रहा देखा भाई की वीडियो पे। तो मेरे ख्याल से इसकी आवाज लगभग ठीक ही है, क्योंकि ये नॉर्मल एक वीडियो है। मेरे पास 4K वीडियोस है लेकिन वो आपके काम के नहीं है दिखाने लायक। NCS होता है, NCS होता है इस से। हाँ देखिए इससे आवाज़ में थोड़ी फर्क पड़ गया है। बाकी अभी नया है, इसकी कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी सब कुछ, तो उसके बाद मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा मोबाइल होगा। बाकी मेरे हिसाब से इसका अच्छा है। और इसकी एक चीज़ और देख लेते हैं, वो जल्दी कर दिया रहा हूँ। वीडियो क्वालिटी लगभग सही है, इतनी ख़राब नहीं दिख रही है, अच्छी ही आ रही है। तो फ्रेंड्स ये तो थी इसकी म्यूजिक की क्वालिटी जो साउंड की है, और साउंड लगभग इसका सही है, कोई ख़राब नहीं लगा मुझे।
अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, ये चीज़ की सेटिंग्स में जो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या दिया हुआ है इसके अंदर, वो देख लेते हैं एक बार। अबाउट में होगा काफ़ी सेटिंग का काफ़ी सेटिंग फोन क्लोन हो गया। अबाउट 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 फोन, तो इसमें फ्रेंड्स 2.8 जगह ये दिख रहा है, देख सकते हैं आप। इस जो एकदम लेटेस्ट स्नैपड्रैगन है ये इसका 7688G ऑक्टा कोर का। इसमें अगर आप पबजी वगैरह खेलोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा खेलने में, एकदम पानी की तरह चलेगा। रैम इसका 6GB है और प्लस 2GB है, यानी 2GB ये है 6GB और 2GB 6, 7, 8 GB इसका रैम हो जाएगा। और एंड्रॉयड 11 है इसके अंदर और 128GB इसके अंदर इनबिल्ट है मेमोरी, और ये एक्सपेंडेबल हो गए 256 तक जा सकती है। ठीक है जी, तो ये थी इसकी सेटिंग्स। तो फ्रेंड्स ये था मोबाइल IQ 00, जो कि बहुत ही बेहतरीन लगा मुझे, क्योंकि जो वन प्लस के जो मोबाइल्स आते हैं, जो 60-60 हज़ार के मोबाइल्स आते हैं, उनकी बराबर को टक्कर देने वाला मोबाइल है ये, और बहुत ही अच्छा मोबाइल है। आप इसे लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं रिकमेंड इसे करूँगा कि आप इसे ले लें। ओके थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नई वीडियो पे, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे बाय बाय।